सीकर में दूसरे दिन आगजनी की घटना देखने को मिली। पालवास रोड के लसाड़ियों के बास में रहने वाले सुनील कुमार शर्मा के घर में अचानक आग लग गई। आगजनी के वक्त घर में कोई भी नहीं था और दमकल सूचना मिलने के करीब 2 घंटे बाद मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सारा सामान जल करके राख हो चुका था। आपको बताएं कि पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है, जिसके चलते वो अपने बेटे और बेटी की शादी के लिए धीरे धीरे सामान जमा कर रहा था। पीड़ित की पत्नी मधु ने बताया कि जिस वक्त यह हादसा हुआ है उस वक्त वो पड़ोस में गई थी और पड़ोस की ही किसी महिला ने आकर आगजनी की सूचना दी।